मैंने स्लाटर हाउस का गेट तोड़ा, गाय की गर्दन पूरी कटी हुई है, ठीक है, गाय के पेट के अंदर बच्चा था, वो तो दूध की गाय नहीं थी ना, उसके तो पेट के अंदर बच्चा था छोटा सा, और गाय की गर्दन कटी हुई है और गाय मेरी तरफ देख रही है और खून गिर रहा है। तो अब मेरे सामने वो कसाई बैठा हुआ है, हमने पकड़ रखा है, अब उस समय पे मैं उस कसाई का क्या करूं? बंद करो। जैसे मुझे मालूम चला है कि गौ की हक के लिए जाना है, मैं उस दिन से प्रार्थना ठाकुर जी भगवान से कि ठाकुर जी महाराज गौ माता को राष्ट्र का सम्मान दिया जाए। ये जो कत्ल करते हैं ना, ये जो गौ माता की हत्या करते हैं, जगह जगह देखते, मुझे बहुत दुख होता है इस चीज का। आजकल तो दिल्ली में इतना बुरा हाल है कि लोग हम ऐसी ऐसी गाड़ियां पकड़ते हैं जो रोडों पे ही गाय को काट रहे हैं गाड़ियों के अंदर। उत्तर प्रदेश का हाल ऐसा है कि पहले तो अखिलेश सरकार में जगह जगह कड़ी आया करती थी, लेकिन बाबा जी ने गौकसी करने वालों पर बहुत सही से डंडा कर दिया, तो सबसे बड़ा जो आबादी बढ़ रही है यही कारण है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं ना कि गौ तस्कर सड़क से ले जाए, भाई सड़क पे तो आदमी भी घूम रहा है। किसी कारणवश गौ माता रोड पे फिर भी रही है। मान लो मैं गौ पाल रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं मर गया, गौ माता बिचर रही है कहीं, और तो इसका मतलब पीसफुली कम्युनिटी को हक मिल गया क्या उसको काट के फेंक देगी? हर एक गाय उस दिन जीवित हो जाएगी जिस दिन इस देश के अंदर गौ माता को माँ का राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा, ये बात समझनी पड़ेगी। 19 नवम्बर को भारतीय गौ क्रांति मंच ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक आंदोलन का आयोजन किया। मुद्दा साफ था, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाना। मैंने भी इस आंदोलन में भाग लिया और साथ ही साथ वहां पर आए गौ भक्त, गौ सेवक और गौ रक्षकों से पूछा कि आखिर उनके अनुसार गाय की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है और इसको सुधारने के लिए हम आम लोग आखिर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आने का औचित्य क्या है? बस गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाना है। उससे क्या होगा? आखिर गौ माता अगर जो राष्ट्रीय माता कहलाई जाएगी ना, तो उसके बाद ये सरकार की खुद की जिम्मेदारी हो जाएगी, आगे इसको अपने आप समर्थन करेगी, गाय का खुद सम्मान करेगी। हाँ, सम्मान होने के बाद जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, कोई हिमाकत नहीं कर सकता उसका पंख भी फाड़ दे, समझ रहे हो बात को? राष्ट्र माता बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अगर किसी कारणवश गौ माता कहीं फिर भी रही है तो किसी की औकात ना हो, गौ माता को हमारी को काट के फेंक सके। किसी राज्य में गाय प्रोटीन है, किसी राज्य में गौ माता है, ऐसा क्यों? जब नोटबंदी करी मोदी जी ने तो पूरे देश में की थी ना, अगर एक रात को उन्होंने एक शब्द बोल दिया ना कि गौ माता से आज के ऊपर जो काटेगा या फिर मांस खाएगा वो फांस सीधा मारा जाएगा, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि गाय रोड पे छोड़ दिया, गाय काट दे। गाय गलियों में घूम रही, गाय भटक रही और बड़े भाग लिया। बड़ा राष्ट्रवाद, बड़े देशभक्त किस बात के देशभक्त? जो गौ रक्षक नहीं है वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। मैं दिल्ली गौ रक्षक दल का प्रेसिडेंट हूँ और गायों की रक्षा के लिए मैंने 15 साल से अपना घर छोड़ रखा है। काफ़ी रात को लड़ाइयाँ होती हैं गौ तस्करों के साथ और दिन में गायों की और जानवरों की सेवा भी होती है। हमारे यहाँ पे लड़का जितने हैं ना हमारे साथ के, वो ये नहीं सोचते कि सामने से गोली आ रही है, चटरक आ रहा है, मरने का जज्बा सब में है। तो आपको डर नहीं लगता? बस गोलियाँ चलती हैं और कुछ नहीं होता। गोलियां तो वो चलाते हैं ना? वही तो चलाते हैं, हम झेलते हैं। कोई हमारी माँ को उठा रहा है और हम गोलियों से डर जाएं तो ये तो फिर किस बात के हिंदू हम, किस बात के सनातनी हम, किस मुंह से कहेंगे कि गाय हमारी माता है? हम अपनी माँ को ऐसे कटने नहीं देंगे, चाहे गोलियां चले चाहे तोप चले। ये गाय है, 3 दिन से हम लोग इनका पीछा कर रहे हैं, अभी हमारे एरिया में ही है ये लोग, चरवाहे हैं ये कहते हैं सबसे। किसान इनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि किसानों का नुकसान करती है। ज़्यादा नुकसान नहीं करती गाय, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हमारे जब फसल पैदा करते हैं एक मुट्ठी जो अनाज होता है वो गौ माता के नाम का डाला जाता है, फिर हम उन्हें खेत से क्यों भगाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने ब्लेड मार दिया, एसिड फेंक दिया, उनको रोटी नहीं दे सकते, उनको डंडा मार के उनको भगा सकते हैं। लोकल एरिया में खेत वगैरह वाले किसान होते हैं ना, जो अगर गाय उनका नुकसान कर रही है वो तो हर किसी से रो रहे हैं। गौ माता किस जगह है कि मेरे गौ चार एक जमीन खा गए, बताइए। गुरुग्राम में 100 सेक्टर है, सारे गोचर भूमि में है, अब गाय कोर्ट में थोड़ी जाएगी। गौ माता की हर गाँव में कहीं भी देखोगे, गौ चरण की भूमि हर गांव में। वो किसने दाब रहा है? मान लो मेरा मकान, कोई ढींगड़ा मेरा मकान पे आ जा, मैं रोड पे ही तो सोऊंगा। अब मेरे से कह लग भाई ये तो आवारा ढोल है, आवारा थोड़ी नहीं है भाई साहब, मैं तो बेसहारा हूँ, मेरा मकान पे कब्जा कर लिया किसी ने, मैं तो बेसहारा हूँ। गौ माता को पालने वाला कौन है? तो गौ माता को छोड़ने वाला कौन है? अभी तक तो आप सभी लोग बहुत तालियां बजा रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे। जो सड़क पे गौ वंश आ रहा है, आपने विचारा कभी कि कहाँ से आया? जी, इसके लिए हम थोड़ा सा इनके मालिकों को दोष देना चाहेंगे।
क्योंकि ये इनको यूज करके थ्रो कर देते हैं। काहे के लिए यूज करते? सिर्फ दूध के लिए। जब तक दूध देती है अंदर रखते हैं और दूध देने के बाद सड़क में धकेल देते हैं। मैं तो चाहता हूँ इस देश में गाय का दूध बिके ही नहीं। क्यों? क्योंकि घर घर गाय होगी तो दूध बिकेगा नहीं। दूध बिकने से क्या समस्या होती है आपके अनुसार? माँ का दूध कोई बेच देगा भाई, मेरी माँ का दूध है, मैं अपनी माँ का दूध उसे किस में बांट लूंगा? समस्या क्या हो रही है उससे? उससे तो व्यापार बना रखा है ना डेयरी वालों ने, और डेयरी वालों ने व्यापार बना रखा है। और गाय से बछड़े पैदा होते हैं वो रोड पर छोड़ दिए जाते हैं मरने के लिए, और जो दूध नहीं देती उन्हें भी रोड पर छोड़ दिया जाती है, वो एक्सीडेंट खाती है, और फिर उसका ना सरकार जिम्मेदारी लेती है ना कोई और लेता जिम्मेदारी। और जो हिंदू देख के जाता होगा तो अरे गई वहाँ तो चोट लग गई, चले गए अपने काम निकल गया। जिनको दर्द हुआ वो मेंटल है। जाएगी गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी, उस दिन दूध पियेंगे गाय का, नहीं तो भाई गौ माता को घर में ले आके अपनी माँ की तरह पूछ के सेवा करके तब दूध पियेंगे, वैसे नहीं पियेंगे भाई। दूध दही मक्खन छाछ को हमें उपयोग करना बंद करना पड़ेगा, तभी इस पे काफी हद तक लगाम लग सकती है। तो कहीं पे आपको लगता है कि अगर हमें गौ सेवा कर रहे हैं हम एक हाथ से जी, तो हमें कहीं पे दूध और दूध के बने हुए उत्पादों का भी बहिष्कार करना चाहिए? नहीं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाय जो है, जो दूध है, देखिए अपने को लगता है इंडिया में जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो आईटी की है, आईटी से भी बड़ी इंडस्ट्री काउ की है, मिल्क की। इंडिया की एग्रीकल्चर जीडीपी का 26% मिल्क से आता है। हम लोगों ने, इस देश के लोगों ने गाय को धर्म से हटाया और केवल अर्थ से जोड़ दिया, और जब से गाय को अर्थ से जोड़ा तभी से गौ माता की दुर्दशा हुई। जब तक अगर हम लोग पशु समझेंगे, जानवर समझेंगे, तब तक गौ माता कटेगी। बिल्कुल, अगर माँ मान दिए ना तो उस दिन कोई काटने वाला नहीं होगा। आप मुझे ये बताओ कि अगर हम माँ मानते हैं हाँ, तो उससे फिर दूध कैसे लेंगे? नहीं तो नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, मैं नहीं नहीं लेता दूध, नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ घर में रहना चाहिए, लेकिन एक जो हो रहा है ना सर वो तो हो रहा है दूध की वजह से। गाय दूध देती भी तभी है ना जब हर साल वो बच्चा पैदा करेगी जी। तो जब वो बच्चा नर पैदा हो रहा है, अब तो खेती ट्रैक्टरों से होती है, छोड़ दे रहे हैं तो बछड़ा भी छोड़ दे रहे हैं। पर दूध अगर यूज करेंगे डिमांड बढ़ेगी तो ज्यादा अत्याचार बढ़ता है, उसी से अत्याचार ज्यादा बढ़ रहा है। आप दूध कहाँ से लेते हो? हम अपने मतलब हमने अपनी पाली हुई है, अपनी उसे ले रहे हैं हम भी। और आप अपने, आप उन बछड़ों का क्या करते हो? भाई बछड़े भी हमारे पास तो फिलहाल हैं ही अपने, अब तक भी हमारे उसमें चले, हमारे खेत हैं उसमें, पर अधिकतर 99.99 छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पहले गाय हुआ करती थी, हम उनसे दूध दुआ करते थे, बछड़े हुआ करते थे, उनको बधिया करवा के या किसी भी तरीके से हम खेत जुतवाया करते थे। अब क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रैक्टर आ गए, खेत उन्होंने जोतना शुरू कर दिया, बछड़े हुए वो किसी काम के नहीं रहे, गाय हुई जब तक दूध दिया तब तक पाली, उसके बाद छोड़ दी। हमारे यहाँ से गौशाला के लिए भी जाता है, गौशालाओं में से भी गाय भरवाते हैं कटवाने के लिए। बताओ, मैं गौशाला देखता हूँ फिलहाल पंजाब में, आई ज्ञान फाउंडेशन की गवर्नमेंट गौशाला है, उसमें सारे बेसारे हैं वो देख रहा हूँ इस टाइम मौके पे। पिछले दो साल गाय इतनी पकड़ लेते हैं, हम ले नहीं पाते, स्पेस नहीं, कहाँ लेके जाएंगे? और यहाँ पे गौशाला है तो वहाँ पे गाय कट रही है। हमको ले लो, जैसे मैं हूँ, मेरे घर में गाय है, तो अपन क्या करेंगे, दूध के लालच में उसके बछड़े को भी दूध नहीं पिलाएंगे, उनको दूध नहीं पिलाएंगे, ऐसे मर जाएंगे, बाकी को भेज देंगे कटने के लिए। गौ माता राष्ट्र माता ऐसे कैसे बन जाएगी जब उन्होंने तो बिजनेस बना रहा है? तो फायदा अगर सोच रहे हो तो माँ मत समझो, और अगर माँ चाहिए तो फायदा मत। तो ऐसे बिजनेस से दूध लेने में जो उपभोक्ता है वो गलत है ना? हुआ बहुत गलत है यार, आदमी इतना बड़ा हो गया आज तक दूध पीता है, बच्चा कितने दिन दूध पीता है? पीने की लोड़ ही नहीं हमें दूध की, बिना दूध के चल सकते हम लोग, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल, आप दूध के खिलाफ? बिल्कुल खिलाफ। जो गाय पालता हम लोग सिर्फ उन्हीं के ऊपर उंगली उठाएंगे कि ऐसा कर रहे, वो पालन नहीं है, वो गाय का शोषण है। जो डेयरी वाले कर रहे हैं वो पालन नहीं हुआ भाई साहब, क्या करेंगे, दुर्भाग्य की बात है। आज वो जो शोषण हो रहा है उसी को पालन बोलना पर मजबूरी हमारी। जो बच्चा ठहराते हैं हर 6 महीने में उस गाय को गर्भ ठहरा दिया जाता है, किस तरीके से उसका वो एक तरीके से जिसे हम बलात्कार, ये वो है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, गौ माता पालता हिंदू है, गौ माता को छोड़ता हिंदू है, और फिर गौ माता रोड पर घूमती है, इसका जिम्मेदार भी सनातनी है। दूधिया कहता है कि भाई मैंने 10 गाय रखने की जगह है मेरे पास, मैं 5 गाय बूढ़ी रख लूंगा तो मैं कहाँ से कमाऊंगा, तो मेरे को तो बंद करना पड़ेगा बिजनेस, उसके लिए कोई जवाब तो दीजिए। इसमें सरकार को कुछ ना कोई सख्त कानून लाना पड़ेगा, तभी इस प्रकार से इसमें कुछ रोकथाम हो पाएगी। आप किस बात को समझो, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, वो मैं समझता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए, सरकार को करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि मौलवियों के 18,000 जब दे सकते हैं, जब आपके दिल्ली स्टेट में 18,000 देने की कैपेसिटी है, क्लियर कट ये मुस्लिम अपीजमेंट का मुद्दा है,
तो आप हिंदू पंडितों को भी दीजिए और गाय पे भी ध्यान दीजिए। अरे इतना मंदिरों से पैसा जाता है तो इतने पैसे में से आधा पैसा भी अगर गौ रक्षा के लिए दे देना, गौशालाओं के लिए दे दे, गाय ना काजू बादाम खाएगी। इतनी गाय है नहीं, 3 करोड़ गाय। सरकार के ऊपर क्यों धोप रहे हो? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? किसने बनाई है? ये पावर जनता के पास होनी चाहिए, अपने ऊपर दावेदार रखो। अब इसके खिलाफ तो सरकार को ही कोई ना कोई नया ना कोई कानून पारित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार तो फिर बहुत समस्याएं जो आप बता रहे हैं इस प्रकार से ये तो बढ़ती चली जाएगी। मुझे लगता है बदलाव देखिए दो तरीके आ सकता है, सरकार ऊपर से पॉलिसी बनाए या हम लोग हम कहें कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। या तो गाय को ठीक से रखो या हम तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं लेंगे। ठीक से रखो, उसको खुला रखो, मत मारो मत काटो, तो फिर क्या दिक्कत है? जो पॉइंट है ना अहिंसा वाला, वो तो हमारे शास्त्र में लिखा है। वो बोल रहे हैं कि भाई इतना पहले बछड़े को दो, दो हम चार थन है तो दो गाय को दो, उसके बछड़े को दो। सब लोग ये करो, गाय भी रख रहे हो तो ठीक है, आप एक गिलास अपना ले लो, बाकी उस बच्चे को दे दो, ये काम खत्म कर दो, फिर उसका मुनाफा खत्म हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सब पैसों के लिए ही हो रहा है। आपने जो बात बोली मैं उसमें पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम गौ माता का दूध का पूर्ण तरीके से बहिष्कार भी कर देंगे ना अगर, तो जितनी गायें अभी आप सड़कों पे देख रहे हो ना, उससे ज्यादा गायें आपको सड़कों पे मिलेंगी। ये मैं बहुत सुनता हूँ। अच्छा, अब मेरा एक सिंपल बात सुनो। मान लो कि भारत में 100 गायें हैं, ठीक है, वो 100 गाय हर बारी बच्चा पैदा कर रही है, हर साल तो ही दूध दे रही है ना, जिसमें से 50 बछड़े हैं, 50 बछड़े जो है सड़क पे आए, ये साल दर साल ये होता रहेगा। फिर जब वो गाय बूढ़ी हो जाएगी वो भी सड़क पे आएगी, तो सालों साल में अब हजारों दसियों हजारों आ जाएंगे। हम बहिष्कार करते हैं, थ्योरी में बात कर रहा हूँ, तो वो 100 ही गाय है ना जिन्हें लोग छोड़ेंगे और उन्हें मेरे जैसे लोग पाल लेंगे फिर। लेकिन आपके जैसे लोग -1% है, आपके जैसे लोग तो हम तैयार हैं। नहीं ना भाई, ब्रीड मत करो ना, मैं कह रहा हूँ बच्चा पालने में अगर तो इतना तो मर्द नहीं है कोई कि बच्चा पाल सके तो पैदा भी ना कराए। ये कह रहा हूँ, सही बात है, ये बोल रहा हूँ मैं तो बस।